ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे समुद्र शास्त्र के हिसाब से कि भाग्यशाली लड़कियों की पहचान क्या होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों की शाखा समुद्र विज्ञान में शरीर पर मौजूद चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य का विश्लेषण किया गया है। शरीर पर पाए गए ये निशान हमारे भविष्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। समुद्र शास्त्र में सुकन्या यानी सुंदर गुणों वाली कन्या के लक्षणों के बारे में बताया गया है। ऐसी कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है। इनके भाग्य से पति और परिवार खुशहाल और धनवान बना रहता है। ऐसी कन्या की जो पहचान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए हुए होती है वो बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती है। जिनकी जीभ लाल और कोमल हो वो खुद तो सुख भोगती ही है, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। जिस स्त्री की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वह सुख भोगने वाली होती है। नाक के अग्रभाग यानी तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। पैरों में कमल चक्र और शंख का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। वो स्वयं या इनका पति उच्चाधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। जिनकी एड़ी में सर्पाकार होता है वो किस्मत की धनी होती है। इन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई का सूचक होता है। वो अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती है। नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना भी स्त्री के भाग्यशाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा उठा हुआ हो, गोल मांसल और लालिमा लिए होता है वो बड़ी भाग्यशाली होती है। लेकिन पैर का अंगूठा अधिक लंबा हो तो जीवन में बार बार कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।